मॉर्निंग एवरीबडी, बट अपना कल टॉपिक से लाइट, ठीक है ना। लाइट से आप डिस्कस किया कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे आप देख सकते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज की है आप भी दस डिस्कस किया, बट नाल आप ये भी डिस्कस करना है कि लाइट जी है उन्होंने नेचर की है, करैक्टरिस्टिक्स की है। उस आप किया रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो मैं ऑलरेडी दसिया कि रिफ्लैक्शन की होंगी है ना। बट आप एक होर चीज डिस्कस करनी है, तो मैं कल मिरर्स बारे दसिया कि मिरर्स कि प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप अब डिस्कस करना है मेनली लाइट बारे ते मिरर्स बारे। तो मैं कल क्या सी वजह, जिस भी अपने को स्फीयर दी जे अपने को इनसाइड पेंट होवे तां बाहरली साइड नूं की बोलदे ने आपां कन्वैक्स सरफेस, अदरवाइज की बोलदे आपां इनर साइड पेंट होवे तां बाहरली साइड नूं की बोलदे ने, ये भी कन्वैक्स, दोनों कन्वैक्स है। अंदरली पेंट है, बाहरली अपने को पेंटेड नहीं है, रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। बट जे अपने को क्या होवे बाहरली साइड पेंट होवे, ठीक है ना, तो अंदरली सरफेस नूं की बोलदे ने आपां कनकेव। आई टोल्ड यू दिस इज योर कनकेव साइड एंड दिस वन इज योर कन्वैक्स साइड, ठीक है ना। आपां कल डिस्कस किया सी, तो मैं क्या सी कि बॉल नूं आपां एवें कैच करदे हां, तो कनकेव की करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। बट जे एवें कैच नहीं करते, दिस इज कॉल्ड एज योर डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है ना। हुण आपां विच कल एक होर डिस्कस की सी चीज कि आह की अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर मिरर, ठीक है ना। और मिरर का जो अपने को बच्चे स्फीयर बनता है, जिस स्फीयर के सेंटर की बोलते हैं आप सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है ना। मिरर के सेंटर की बोलते हैं आप पोल, ठीक है ना, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। साइज ऑफ मिरर की बोलते हैं आप अपर्चर, ठीक है ना। उस तो बाद बच्चे क्या सी हमने फोकस की होंगे, जिस पॉइंट पर रेज एक्चुअली मीट कर दी या मीट कर दी नजर आदि की बोलते हैं आप फोकस ऑफ ए मिरर, ठीक है ना। फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकस ऑफ ए कन्वैक्स मिरर डिफरेंट है। बट पर आप आज डिस्कस करना है वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन के रूल्स की अपने को, ठीक है ना। बट आर रूल्स ऑफ रिफ्लैक्शन, बट बहुत मेन है अपने को चार रूल्स, मैं चारों कट्ठे बना रही हूँ, ठीक है ना। अपने को चार रूल्स की कहते हैं, पहला रूल कहता है, ठीक है अपने को ध्यान रखियो, मैं चार रूल डिस्कस कर रही हूँ, मैं चारा विच सिर्फ कनकेव मिरर बना रही हूँ लाइक दिस, ठीक है ना। ए मिरर बन रहा है मेरे को, ओके। देखो बच्चे, सब च मैं कनकेव मिरर बनाता, सब तो पहला बच्चे डिस्कस करने लाइन केड़ी है अपने को प्रिंसिपल एक्सिस, इत्थे की अपना पोल, पोल तो ना बच्चे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लेना है अपने को, आप इमेजिनरी भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोल के विचकार 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मैं 2 सेंटीमीटर से की लूंगी एफ लूंगी, मतलब सी ते एफ विचकार जिन्नी भी दूरी हैगी, जिन्ना डिस्टेंस हैगा उन्ना ही होगा पी ते एफ दे विचकार भी होगा, ठीक है ना। बट एक मेन चीज आप डिस्कस करांगे अज पहला रे डायग्राम बनाने तो पहला कि अपने को की है। देखो जे अपने को ना बच्चे कोई भी रे जी लाइन हैगी अपने को इंसीडेंट रे है, आप कल डिस्कस किया इतने की होंगे, एक इंसीडेंट रे होंगी है, एक की होंगे नॉर्मल होंगे, एक की होंगी अपने को रिफ्लैक्टेड रे होंगी है, तीन रेज अपने को हैगी है। दिस इज योर इंसीडेंट रे, वैन एवर इंसीडेंट रे कम्स पैरलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस, ये पहला रूल कहता है। जदों भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरलल आती है तो फोकस जो पास होती है, ठीक है ना, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल स्टेट्स व्हाट, सेकंड रूल की कहता है, जे यह लाइन बचे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरलल ना आवे बट फोकस जो एंटर करे, मतलब इफ लाइट इंसीडेंट्स फ्रॉम द फोकस दैट विल मूव पैरलल, ठीक है ना, पैरलल जाएगी। जे सीधी आई सी तो फोकस हो गई, जे फोकस हो कि जाएगी सीधी जाएगी, सीधी मतलब पैरलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट थर्ड केस की कहता अपना, थर्ड केस कहता है जे यह रे ना बचे सेंटर ऑफ करवेचर चो आवे, इफ द रे इंसीडेंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ करवेचर इट विल पास एज सच विदाउट रिफ्लैक्शन, द रीजन बिहाइंड दैट। पर एक चीज ध्यान नाल देखियो, जे रिफ्लैक्शन दी जिहड़ी इंसीडेंट रे इदां लाई करे, सपोज करो कि इंसीडेंट रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हुंदा, दोनों विचकार एंगल किन्ना होएगा, एंगल आई विल बिकम जीरो। जे एंगल आई जीरो तो एंगल आर भी किन्ना होएगा, जीरो होएगा बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन, ठीक है ना। एंगल आई जीरो तो एंगल आर भी की हुंदा अपने को जीरो हुंदा, इसका मतलब रिफ्लैक्शन हो ही नहीं। इत्थे की कर रहे हैं बच्चे, जदों भी ना कोई रे सी चो एंटर करे तो की होएगी, वह परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, किसते मिरर ते फॉल कर रही है, दिस मीन्स नो रिफ्लैक्शन विल टेक प्लेस, इट विल मूव एज सच बैक, है एवें ही बैक जाएगी, ठीक है ना। पर तीस चौथा केस कहता अपने को, जे अपने को कोई भी रे फोक पोल के उत्ते इंसीडेंट करे किसी भी एंगल तो, मान 30 डिग्री एंगल इंसीडेंट कर रही है, 30 ते ही वापस आएगी, इट विल मूव बैक एट द सेम एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। बहुत ध्यान नाल देखो बच्चे, जे कोई रे अपने को पोल ते आंदी है, ठीक है ना, किसी एंगल ना इंसीडेंट करती है, दैन इट विल मूव बैक विद द सेम एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दैट इज योर 30 डिग्री, इफ इट इज ऑन 60 डिग्री इट विल बी ऑन 60 डिग्री, जिन्ने भी एंगल जाएगी उन्ने ही एंगल ते आएगी। आ चार रूल देखो बड़े, पहला दूजा तीजा ते चौथा की कहिंदा है,
पहला कहिंदा सी फोकस टू रे आंदी इंसीडेंट करती है, इंसीडेंट रे है ये की अपने को रिफ्लेक्टेड रे। एक गल याद रखनी आपां एरो जरूर पाने है, एरो मतलब किधरों रे आ रही है किधर जा रही है, जिहड़ी आ रही है मिरर वालों केड़ी रे है इंसीडेंट रे, जिहड़ी जा रही है केड़ी अपने को रिफ्लेक्टेड रे। इत्थे भी इंसीडेंट जे स्ट्रेट आई पैरेलल आई ते किथे जाएगी फोकस टू जाएगी, जे सी ते आई तां सी तो ही जाएगी, बिकॉज जदों भी सी चो रे पास होकर मिरर ते गिरदी है तो की करदी है हमेशा 90 डिग्री ते हुंदी है। इज इन दिस केस नो रिफ्लैक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस केस, आ केस ध्यान से माइंड रखियो कि जदों भी रे अपने को 90 डिग्री इंसीडेंट करती है तो रिफ्लैक्शन नहीं हुंदी। और लास्ट केस अपने को बेटा इत्थे जे अपने को रे पोल ते गिरदी है तो उन्ने ही एंगल ते वापस जाएगी, इफ इट इज़ ऑन 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री वट एवर एंगल इज, कोई भी एंगल होवे ये उसी एंगल तो वापस जाएगी, ठीक है ना। दिस दीज आर द रूल्स ऑफ रिफ्लैक्शन, इन्हों रूल्स नाल ही बच्चे आप रे डायग्राम बनानी है। अपना अगला टॉपिक जो कल का है वो रे डायग्राम्स है, ठीक है ना, आप सून डिस्कस करांगे। थैंक यू एवरीबडी।